हाँ फिर से ऐड करता हूँ। ठीक है, तो पहला तरीका देखने का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम देख सकते हैं किसी की स्टेबिलिटी। अगर किसी में डी फाइव हो जाए, डी जीरो हो जाए या डी दस हो जाए तो वो विन्यास स्थायी हो जाता है। ठीक है, अगर किसी में डी फाइव, डी जीरो या डी दस हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। तो हम देखते हैं इसके उदाहरण। देखो जिंक प्लस टू, जिंक प्लस टू का विन्यास होता है 3d10। तो अगर वो पूछे कि 3d जिंक प्लस टू स्थाई क्यों है, कोई बता सकता है क्यों है? क्या सर? जिंक प्लस टू इसलिए स्थाई है क्योंकि इसका विन्यास स्टेबल हो गया है, d10 हो गया है। अब देखो Mn प्लस टू क्यों स्टेबल है? Mn प्लस टू का विन्यास d5 होता है, ठीक है। और स्कैंडियम प्लस थ्री क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? जीरो, जीरो हो जाएगा सर। ठीक है ना। अब आयरन प्लस थ्री स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें भी d5 है, ठीक है। और ये अब एग्जाम में नहीं आते, इन्होंने एग्जाम में आना बंद कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े भैया, जी सर। एक सेकेंड। अब हम चल रहे हैं दूसरे तरीके के तरफ कि दूसरा कैसे देखते हैं। तो देखना भैया, ठीक है ना, ये दूसरा वाला आपको याद करना पड़ेगा और इसका एक ही एग्जाम्पल है जो किसी एग्जाम में आ सकता है, जिसका आयनन विभव कम होगा, जिसका आयनन विभव कम होगा वो अधिक स्थायी होगा, वह अधिक स्थायी होगा। तो पहले भैया इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया। हो गया भैया नोट? भैया सबने नोट कर लिया ये? हाँ अब देखो इसका उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर, और इस पे यही क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये नहीं आया तो फिर और कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। और कोई एग्जाम्पल है ही नहीं किताब में। देखो पहले वाले में निकेल प्लस टू और प्लेटिनियम प्लस टू में से किसका आयनन विभव अधिक है? प्लेटिनम का सर। तो देखो प्लेटिनियम का अधिक है तो, और निकेल का कम है, तो बताओ दोनों में कौन ज्यादा स्थायी होगा? Ni प्लस टू। तो Ni प्लस टू ज्यादा स्थायी होगा इससे, क्लियर सर ये थोड़ा है? थोड़ा कंट्रोल कर, चिंता मत कर। नहीं, ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा सर थोड़ा इसके। अच्छा ऐसे बड़ा करें? हाँ थोड़ा सा। अब दिख गया? हाँ आप दिख रहे हैं। हाँ ये बोल, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। नहीं अगली बार से इसका मतलब ये वाली फोटो साफ नहीं आ रही, दूसरी फोटो। एक्चुअल में क्या है, दूसरी फोटो में अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो हम सोच रहे हैं हिंदी में ही दिखाएं।
अब बताओ निकेल प्लस टू और प्लेटिनियम प्लस फोर में से प्लस फोर में किसका आयनन विभव कम है? PT4 का तो बताओ कौन ज्यादा स्थायी होगा? Ni+4, तो PT+4। PT+4 ज्यादा स्थायी होगा, तो इसको भी नोट कर लो, ठीक है? इसको नोट करके क्या कर लो? सर ये वैल्यू भी याद करनी है क्या? नहीं, वैल्यू याद नहीं करनी तुझे, वैल्यू नहीं याद करनी, बस तुझे तेरी आत्मा को शांति प्राप्त हो इसलिए हमने वैल्यू लिख रखी है, ठीक है ना? नहीं तो तू, ठीक है? तो ठीक बताओ प्लेटिनियम प्लस फोर और निकेल प्लस फोर में से कौन ज्यादा स्थायी है? पीटी PT+4। पीटी प्लस फोर और निकेल प्लस टू और प्लेटिनियम प्लस टू में से कौन ज्यादा स्थायी है? निकेल प्लस टू। क्लियर? क्लियर? अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कौन ज्यादा स्थायी है, तो बताओ दोनों लबड़ों में से कौन ज्यादा स्थायी है? अब सर हाँ? इसमें ये है पीटी, ये शुरुआत वाला होगा सर, इसमें PT+ वाला दे रखा है ना। तो अब ये बात आपको घर से अगर याद नहीं है कि प्लेटिनियम प्लस फोर निकेल प्लस फोर से ज्यादा स्थायी होता है, तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का विन्यास समान है, दोनों एक ही वर्ग के तत्व हैं, दोनों में सेम धातु है, सेम लिगेंड है, ठीक है? और अगर यही प्रॉब्लम ऐसे आ जाए, अगर यही प्रॉब्लम ऐसे आ जाए, अब कौन ज्यादा स्थाई है? अब ये वाला ज्यादा स्थाई होगा, क्यों? इसमें निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? इसमें सर प्लस +2 टू, प्लस टू, ठीक है ना? यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आएगा, और नहीं तो क्या होगा? आएगा ही नहीं। आएगा ही, ठीक है? ये ऑक्सीकरण अवस्था देखने का दूसरा तरीका है, ठीक है? और ये घर से याद होना चाहिए। अब देखो तीसरा तरीका, ये नोट कर लिया सबने? जी सर। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट की तरफ, तीसरा तरीका, और आजकल ये काफी हॉट चल रहा है, ठीक है ना? आजकल इसी का समय है, तो फिर से देख लो, कल बताया था अगर किसी का ई नॉट रिडक्शन धनात्मक हो तो उत्पाद ज्यादा स्थायी होता है, तो बताओ ये धनात्मक है कि ऋणात्मक? पॉजिटिव हो सर। पॉजिटिव ये धनात्मक है तो ये ज्यादा स्थायी होगा, और अगर, ठीक है ना, अगर किसी का अपचयन विभव का मान ऋणात्मक हुआ तो फिर कौन ज्यादा स्थायी होगा? वाला तो फिर क्रियाकारक ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है? तो पहले तो इसे उतार लो, और ये सिद्धांत हम वैद्युत रसायन में पढ़ते हैं, क्लियर? सर एक मिनट, हाँ। ये Cu+2 और Cu+1 में कौन अरे ज्यादा भाई, स्थायी तू तो होगा? कंट्रोल तो कर यार कहीं जाना है क्या तुझे? नहीं बता, पूछ रहा हूँ सर मैं। नहीं, हमने तेरे को कहीं ना धीमे धीमे करके ही बता सकते हैं, बीच बीच में से हम भागेंगे तो ना तो तेरे दिमाग में स्टेबिलिटी आएगी, समझे कि नहीं? अब तू तो क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, समझे कि नहीं सही बात है ना?
हमें तो भैया सबको समझाना पड़ता है, ठीक है ना? टेंशन मत ले, हमने तेरा क्वेश्चन सुन लिया, ठीक है ना भाई? ठीक अगर हम है। तो हम चलते हैं आगे। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, देखो सर बड़ा करो इसको। हाँ दिख रहा है। सर। अब देखो यहाँ पे चार धातुओं के मान लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं? और बड़ा करें, अब तो दिखने लगा होगा। तो जी जी दिख बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा स्थाई प्लस टू किसकी है? नहीं, अस्थाई किसकी है? -0.4। अब ध्यान से देखना, ये धनात्मक है ना, तो इसका ये स्थाई होगा। जब ये स्थाई होगा तो ये वाला कैसा हो जाएगा? ठीक, अस्थाई। क्लियर क्यों सर, है? क्यों? बता पहले, ऊपर अभी क्या लिखा था तैने? अगर ई नॉट धनात्मक हो तो कौन ज्यादा स्थाई होता है? कौन, गई उत्पाद या क्रियाकारक? सर, मेरे से सारी लाइन। अब तो आ गया समझ? अगर ये धनात्मक है तो आगे वाला ज्यादा स्थायी होगा उत्पाद, और अगर ऋणात्मक हुआ तो, ठीक ठीक है? तो हम चलते हैं फिर से वही। तो देखो सबके मान ऋणात्मक हैं, सिर्फ किसका मान धनात्मक है? किसका मान धनात्मक है? तो कॉपर सबसे कम स्थाई, ठीक कॉपर सबसे कम स्थाई होगा, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ये कैसा मान है? ऋणात्मक। नेगेटिव। और ये भी कैसा है? ऋणात्मक। और ये भी कैसा है? ऋणात्मक। तो सबके ये स्थाई होंगे, सबके ये स्थाई होंगे। अब इसमें बताओ सबसे ज्यादा ऋणात्मक किसका है? 0.4 का है सर। सबसे ज्यादा ऋणात्मक किसका है? तो एम एन प्लस टू। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर तुम में अकल होती, अगर है, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि इनको रट लो, इनको कही थी ना, अभी अभी कही थी ना, है? तो वही बताओ तो। कौन सी स्टेबल है, इसमें कौन सारी है सी? सर, एम एन प्लस टू कौन सी स्टेबल है? तो M+2 एम एन M. प्लस टू वाला एक ही तो है। अगर वो पूछता सबसे ज्यादा स्थाई कौन सा है, तो इसके अलावा प्लस टू में हमने किसी का बताया क्या? नहीं बताया ना। नहीं। तो आप वैसे भी कर सकते थे, अगर ये चार भी याद कर लेते, अगर ये चार भी याद कर लेते तो। अब इस पे लिख लो, एम एन सबसे ज्यादा स्थाई क्यों है? क्योंकि इसके ई नॉट का मान कैसा है? नेगेटिव सबसे ज्यादा नेगेटिव। अब बताओ इससे थोड़ा कम नेगेटिव कौन है? एफ ई प्लस टू। और उससे थोड़ा कम क्रोमियम प्लस टू। क्लियर, ठीक है ना? तो इसका इसका कारण जरूर लिख लो, एम एन प्लस टू सबसे ज्यादा स्थाई है क्योंकि इसका मान सबसे ज्यादा थैंक नेगेटिव है, ठीक है? ये क्वेश्चन तुम्हें इस बार के पेपर में मिल जाएगा, ये और इसके अगले वाला जो करा रहे,
बड़े भैया आ गए। बड़े क्या नई प्रॉब्लम की तरफ? जी तो हम चलते हैं और देखते हैं एक नई प्रॉब्लम, ठीक है? एक नई प्रॉब्लम इसी की। एक मिनट में आपके सामने है बोर्ड पर। तो दिखाते हैं भैया, एक मिनट रुक जाना बस। तो हम आ गए नए पेज पे, क्वेश्चन पेस्ट हो गया अपना और ये बड़ा भी हो गया, ठीक है ना? दिख रहा है? ठीक है। अब इसमें पूछे किसकी प्लस टू ज्यादा स्थाई है, है? मैग्नीज की। मैग्नीज की। तो अगर तुमने एक बार वहां रट ली होती तो काय को हम इसमें पढ़ते, सही है ना? पर अभी हम प्लस थ्री देख रहे हैं। कौन सी देख रहे हैं? प्लस थ्री। तो पहले देखो, बताओ ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो कौन ज्यादा स्थाई होगा, सी आर प्लस टू या सी आर प्लस थ्री? सी आर प्लस टू। ओ भाई नेगेटिव प्लस थ्री होगा ना। हाँ ये अधिक स्थाई होगी, टेंथ ज्यादा। ओके तो सी आर प्लस थ्री सबसे ज्यादा स्थाई क्यों है? नेगेटिव। क्योंकि इसका अपचयन विभव का मान कैसा है? सबसे ज्यादा ऋणात्मक। अब इन दोनों में तो पहले तो ये लिख लो, क्रोमियम प्लस थ्री ज्यादा स्थाई क्यों है? क्लियर? ठीक है। और उससे कम स्थाई कौन है? Mn2। ठीक है ना, तीन का कंपैरिजन कर रहे हैं अपन अभी, ठीक है? तीन का, तीन वाले का। अब ध्यान से देखना ये मान कैसा है, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, Fe2। और ये कम होगा, ठीक है ना? जब ये कम है तो ये वाला कैसा हो जाएगा, अधिक स्थाई इसकी तुलना में। तो Fe प्लस थ्री का लिख लो, क्योंकि Fe प्लस थ्री का धनात्मक मान Mn के धनात्मक मान से कैसा है, कम। और नहीं तो Mn प्लस थ्री तो स्थाई हो ही नहीं सकता। क्यों? हमने घर से रटा है क्या? Mn प्लस टू की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। योगिता दिमाग में घुसा कुछ है? और प्लस टू पूछता तो Mn प्लस। क्लियर? क्लियर देव प्रदीप? जी सर। क्लियर? ये हाँ हो गया सर। ये मालूम है कब आया? दो हजार बाईस में। अगर ये नहीं आया ना तो आएगा भी नहीं, तो समझ ले फिर पेपर ही नहीं होगा। फिर कब होगा सर? हैं? पेपर होगा तो फिर ये भी आएगा। अगर होगा तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना? क्लियर है? जी सर। अब देखना, ये आप ध्यान से देखना, याद करने से क्या फर्क पड़ता है।
ये तो एम एन प्लस थ्री है, कौन है एम एन प्लस थ्री, और इसका विन्यास है डी फोर, क्या है डी फोर, और ये है क्रोमियम प्लस टू, इसका भी विन्यास क्या है डी फोर। अब ये तो किसका काम करता है, ये तो ऑक्सीकारक है, क्या है ऑक्सीकारक, और ये है अपचायक, ये है अपचायक। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम पहले तो ये है कि ऑक्सीकारक होता क्या है, ऑक्सीकारक वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो कहीं पे साइड में लिख लेना, और अपचायक वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। अब बताओ Mn किस रूप में रहना पसंद करेगा, Mn की कौन सी ज्यादा स्थाई होती है, Mn प्लस टू, तो जब ये प्लस टू में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, देगा, ये लेगा, तभी तो कम होगी। एम एन प्लस थ्री ऑक्सीकारक क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस टू में बदल गया है, और अगर आपने घर से याद कर लिया है कि एम एन की कौन सी स्थाई होती है प्लस टू, तो आपको पता है ये कहीं भी हो, ये किसी भी अवस्था में एम एन मिले, ये हमेशा किस में बदलेगा, प्लस टू में, और क्रोमियम कहीं भी मिले तो ये प्लस थ्री में, तो क्या बार बार समझना, बार बार एक ही बात को क्यों समझना, याद करने में फायदा हो रहा है ना, है? अब यही बात ना तुम डेटा से देखोगे, हो सकता है तुम डेटा को गलत एनालाइज कर लो, ठीक है ना, तो पहले याद कर लो क्रोमियम की कौन सी स्टेबल, प्लस थ्री, और एम एन की प्लस टू, और कोबाल्ट की प्लस थ्री। तो अगर वो पूछे कोबाल्ट की कौन सी स्टेबल है, तो काय को दिमाग चलाना, ठीक है ना। देखो कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम ज्यादा पढ़ने से नहीं होते, कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम हमेशा अच्छा पढ़ने से होते हैं। हम हमेशा बच्चों को समझाते हैं, दो थ्योरी होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है जीवित थ्योरी और एक होती है पीपी थ्योरी, ठीक है ना, तो ये पीपी थ्योरी से पढ़ना पड़ता है। तो पीपी थ्योरी क्या है, कोई बता सकता है, प्रैक्टिकल है, तो ये है ये थ्योरी, पति पत्नी थ्योरी, ठीक है ना। अगर किसी से पूछे तेरी पत्नी का नाम क्या है, तो बताओ कंफ्यूजन होता है क्या, है? नहीं। और होता होगा तो एक आध को होता होगा भाई, एक हाथ में ही तो होता होगा, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही किसी से पूछो तेरा पति कौन है, तो कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना। तो 100 में से अगर एक आध में कंफ्यूजन हो जाए तो कोई बात नहीं, पर इसमें भारी कंफ्यूजन है, ये है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थ्योरी, ठीक है ना। इसमें अगर पूछोगे तो आंखें ऊपर करके देखेगा कौन है, और हम इसी से क्वेश्चन करते हैं। अब इससे क्वेश्चन करेंगे तो कंफ्यूजन तो होगा ही होगा। तो अगर कॉम्पिटिटिव क्रैक करनी है तो पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आखिरी की तरफ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कॉपर है और ये कॉपर प्लस टू है, इसका विन्यास D10 होता है और इसका विन्यास D9 होता है, कौन ज्यादा स्थाई होगा, Cu प्लस है, चल प्रदीप तू ही बता दे,
नाइन होगा सर ये है, सी प्लस टू होगा। अब ध्यान से सुनियो, ठोस अवस्था में तो ये होगा, और अगर जलीय अवस्था हुई ठीक है तो ये हो। तो पहले तो ये लिख ले कि ठोस में कौन होगा और जलीय में कौन होगा। ठीक है, लिख लिया जी। अब ऐसा होता क्यों है, जब कॉपर स्थाई हो गया तो ये क्यों, जब हम इसको पानी में डालते हैं, जलीय अवस्था में डालते हैं ठीक है ना, और ये कॉपर प्लस टू में जब बनता है तो इसका आकार मालूम है, सारे प्लस टू में सबसे छोटा होता है ये कॉपर प्लस टू, सारे धनात्मक प्लस टू वालों में सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा होने की वजह से इसकी जलयोजन ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जलयोजन ऊष्मा अधिक होती है, इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि वो कॉपर प्लस को किस में बदल देता है, कॉपर किस में बदल देता है, कॉपर। तो अब या तो ये आएगा कॉपर प्लस टू क्यों स्थाई होता है, तो क्या आंसर होगा, आकार छोटा होता है, छोटे आकार की वजह से इसकी जलयोजन ऊष्मा अधिक होती है, जिससे कॉपर प्लस टू ठीक है ना का बनना सुगम हो जाता है। तो ये बात नोट कर डालो, और सेम आंसर किसमें लगेगा, किसमें लगेगा, निकिल में, निकेल निकेल प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ कॉपर प्लस टू में कोई कारक बारक काम नहीं करेगा, कोई स्थायी विन्यास कुछ नहीं, ठीक है ना। और ये अच्छा क्वेश्चन है 2022 के लिए, कॉपर वाला 12वीं की किताब में दिया है, ठीक सा हार्ड भी है, क्योंकि बच्चा तो आ गया ना तो D10 से ही देखेगा, ठीक है। तो देखना अब वो क्या बदमाशी करेगा, ऐसे कर देगा, अगर इसको पानी में डाल दे तो क्या होगा, ये CuI2 बन जाएगा सर, तो CuI2 और I2 में बदल जाए, क्लियर। अब ये क्यों बदल गया आपको ये भी समझ आने लगेगा। तो हमें कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा, भैया नोट कर लो तो बता देना, हो गया। तो कॉपर प्लस टू और निकेल प्लस टू क्यों ज्यादा स्थाई है, है? आकार छोटा होता, जलयोजन ऊष्मा अधिक होती। हाँ, ये 11वीं की किताब में भी है, ये 12वीं की किताब में भी है, ये BSc की किताब में भी है और MSc की किताब में भी है। तो अब जो पेपर बनाएगा कहीं भी लगा ले दिमाग, समझे कि नहीं, देगा कहाँ से।
ठीक है, बढ़े आगे जी सर। हमारा अगला क्वेश्चन लास्ट बचा, स्टेबिलिटी देखने का तरीका। क्रोमियम प्लस थ्री और कोबाल्ट प्लस थ्री, ठीक है, ठीक है ना, ये भारत में आज तक नहीं आया है। तो देखो क्रोमियम प्लस थ्री के जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो देखो ये अर्धपूरित दिख रहा है क्या है? और कोबाल्ट में जब हमने इलेक्ट्रॉन भरे तो ये T2G6 है, तो देखो पूर्ण पूरित है क्या? तो इसको दो को और लिख लो, क्रोमियम प्लस थ्री क्यों स्थाई है और क्रोमियम प्लस थ्री और कोबाल्ट प्लस दोनों ही तुमसे नहीं पूछे जाएंगे, क्यों? दोनों ही तुमसे नहीं पूछे जाएंगे, तुम्हारे वैसे काम आएंगे क्रोमियम प्लस थ्री। क्लियर सपना? हाँ सर। बेटा कोई डाउट नहीं है ना? तो क्रोमियम प्लस थ्री फिर से लिख देता हूं, क्रोमियम की प्लस थ्री, Mn की प्लस टू, कोबाल्ट की प्लस थ्री स्टेबल होती है और आयरन की प्लस थ्री। इतना ही तुमने याद कर लिया तो आधी प्रॉब्लम तो इनको याद करने से ही सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना? और नहीं तो इन्हीं में अटके रहोगे, ये ज्यादा स्थाई है कि वो। पहले चीजों को याद करो, पहले चीजों को याद करो और फिर उनके कारण ढूंढो, ठीक है ना? कारण कब ढूंढना? जब नौकरी लग जाए, ठीक है? देखो एक और क्वेश्चन, देखो पहली वाली वैल्यू को देखो और बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, है? M प्लस टू ना? हाँ। और दूसरे वाले में Mn प्लस टू। Mn प्लस टू, तो देखो हर वैल्यू यही बता रही है ना कि Mn प्लस टू ज्यादा स्टेबल है, है? तो बार बार दिमाग क्यों चलाना? और बच्चा इस छोटी सी बात को याद नहीं करता कभी। क्लियर? तो हमने आज सीखी क्या? ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। क्या सीखा? ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, ठीक है? तो हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, कलर। अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो डाल लो भैया। और देखो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन नहीं आए, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना? तो बताओ कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए कौन जरूरी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला होना जरूरी है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना? जैसे ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है उसका कलर, उसका कलर है, उसका कलर, उसका कलर गायब हो जाता है, ठीक है ना? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का पेयर बनेगा, कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज
खत्म। ठीक है, कोई डाउट? अब कौन इसको नहीं पालन करता, तो सबसे पहले देखो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या नहीं है? अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर भी रंग दिखाते हैं। फिर भी कैसे दिखाते हैं? ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, क्योंकि मेटल और लिगेंड में आवेश स्थानांतरण